तो चलिए गाइस, हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सतलुज यमुना लिंक के बारे में। इसे SYL भी कहा जाता है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाले का गाना SYL रिलीज़ हुआ था, जिसके कारण SYL फिर से विवादों में आ गई है। आखिर SYL है क्या, इसके इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद नवंबर 1966 में पंजाब के राज्य बनने के साथ ही शुरू हो गया था। केंद्र सरकार ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन 78 और 80 को जोड़ दिया था। इसके तहत पंजाब में नदियों के पानी और हाइडल पावर पर केंद्र का नियंत्रण हो गया था। अप्रैल 1976 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत पंजाब की नदियों के कुल 15.85 मिलियन एकड़ फुट पानी में से पंजाब और हरियाणा को 3.5 MF अलॉट कर दिया गया। बाकी पानी राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को दिया गया। पंजाब सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। दिसंबर 1981 में तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। केंद्र और तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। बैठक में एक फैसला हुआ, इसमें नए सिरे से बंटवारा तय हुआ। इस बार पानी 15.85 MAF से बढ़कर 17.17 MAF हो गया था। इसमें पंजाब को अपने हिस्से 4.22 MAF के अलावा 1.32 MAF और मिला। हरियाणा का हिस्सा 3.5 MAF ही रहा। इसके बाद पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लिया। अप्रैल 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में SYL निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। तभी अकाली दल ने इसके खिलाफ धर्मयुद्ध मोर्चा शुरू कर दिया। यह आंदोलन हिंसक होता गया और पंजाब को कई सालों तक आतंकवाद झेलना पड़ा। जुलाई 1985 में तत्कालीन PM राजीव गांधी और शीत प्रधान हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच समझौता हुआ, जिसमें नदियों के पानी के बंटवारे पर ट्रिब्यूनल गठित करने का फैसला किया गया। ईरानी ट्रिब्यूनल बना, पर उसकी सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री SS बरनाला की सरकार में SYL का निर्माण शुरू हुआ था। 90% निर्माण के बाद 1992 में आतंकियों ने 2 इंजीनियरों और कई मजदूरों को मार दिया, फिर निर्माण बंद हो गया। उधर हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर का निर्माण जून 1980 में ही कर लिया था। 1999 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर SYL के निर्माण की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच विवाद निपटाने को कहा। 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पंजाब में SYL का निर्माण पूरा करने का आदेश दिया। जुलाई 2004 तत्कालीन CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी पार्टियों को साथ लेकर टर्मिनेशन ऑफ रिवर्स वाटर एक्ट पास किया। इससे पानी से संबंधित पुराने सारे समझौते रद्द कर दिए गए, जिनमें 1981 का द्विपक्षीय समझौता भी शामिल था। केंद्र सरकार ने इस एक्ट की विविधता पर प्रेजिडेंशियल रेफरेंस मांगा। साल 2004 से 2009 तक उस पर सुनवाई चलती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज तक कभी भी SYL का निर्माण पूरा नहीं हुआ। तो गाइस, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।